हेलो दोस्तों, मैं आशा सिंह। माय लिटिल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डहलिया प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये विंटर फ्लावर प्लांट में सबसे खूबसूरत फूलों में से आता है। और इसकी सबसे पहले धूप की बात करें तो इसे फुल सनलाइट चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की इसे धूप चाहिए। और इसे मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो सभी प्लांट के लिए मॉर्निंग की धूप अच्छी होती है, और बस इसे जो धूप जो दोपहर की तेज होती है बस वो इसको थोड़ा सा नुकसान करती है। और वैसे जहाँ सर्दी रहती है काफ़ी, और वहाँ तो पूरे दिन की धूप अच्छी होती है। और अब इसकी मिट्टी की बात करें तो इसे रिच सॉइल पसंद है। और वैसे भी विंटर फ्लावरिंग जो भी प्लांट होते हैं उनको सभी को अच्छी खाद चाहिए होती है, क्योंकि उनकी लाइफ छोटी होती है और उसमें उन्हें बहुत सारे फूल खिलाने होते हैं। तो आप जब इसकी मिट्टी तैयार करें तो 1 हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, 1 हिस्सा सैंड, और 1.5 हिस्सा आप इसमें खाद मिलाइए। अब खाद आप गोबर की खाद भी ले लें या बर्मी कंपोस्ट कोई भी ले लें, और उसमें 1 मुट्ठी बोन मील जरूर मिलाएं। और जब इसको आप लगा दें पॉट में तो आप ऊपर से भी 1 मुट्ठी इसमें बोन मील जरूर मिलाएं। और क्योंकि जब आप पानी देंगे ऊपर से तो वो अंदर अपने पेड़ अपना लेता रहेगा। और इसे बहुत बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आप इसे 8 इंच 10 इंच के पॉट में आराम से लगा सकते हैं, 10-12 इंच में, और उसमें अच्छे से ये ग्रो कर जाता है। और इसे महीने में 1 बार DAP और पोटास भी आप देते रहें, और इससे इसे एक्स्ट्रा ताकत मिलेगी, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उस प्लांट को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। और इसे 15-15 दिन में आप इसे बनाना पील फर्टिलाइजर भी देते रहें, वो भी अच्छा रहता है। और अब इसकी बात करें तो ये ग्रो कैसे होता है, तो ये इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें ट्यूबर होते हैं तो उससे भी लगता है, और ये कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और कटिंग से जब आप इसे लगाएंगे तो इसके फ्लावर का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा रहता है। और 20 से अगर इसे लगाते हैं तो फ्लावर का साइज बड़ा नहीं होता है उतना। और इसकी धुआ, हाँ, इसको एक बात और बतानी थी कि इसकी गुड़ाई महीने में आप एक बार जरूर करते रहें, और इसकी जो ये जैसे है ना हल्की हल्की इसकी गुड़ाई कर दें, क्योंकि इसकी जो जड़ों में भी इसे धूप अच्छी लगती है। जब इसकी जड़ों पे धूप पड़ती है तो अच्छी लगती है। तो इससे एयर भी, गुड़ाई करने से क्या होगा कि एयर भी इस पे अच्छे से मिलती रहेगी। और एयर भी अच्छी होती मिलती है और इसे प्लांट हेल्दी रहता है। और बाकी तो कोई खास बात नहीं है, और वैसे बहुत इजी टू ग्रो है, और इसे आप जरूर अपने गार्डन में लगाएं, और बहुत ही अच्छा प्लांट है और खूबसूरत तो है ही, और बहुत सारे ये कलर में आता है। और हाँ, एक बात और, जब बहुत तेज धूप पड़ने लगती है यानी फरवरी के बाद मार्च वगैरह में, तब इसे सुबह की धूप दीजिए और दोपहर की धूप तब ना दें इसे, क्योंकि उस समय धूप बहुत तेज होने लगती है, तब ये प्लांट की पत्तियां वगैरह थोड़ी सी खराब होने लगती हैं। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और मेरी जानकारी अच्छी लगती है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।